हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए रीजनिंग के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं नंबर सिस्टम के। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दिए। बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ जो कि पेपर में आते रहते हैं। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि पहला पेपर आप क्वेश्चन आपके सामने है, 100 121 इक्वल टू 144। इसको आपको फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या है। एक नंबर सीरीज है, आपको संता निकाल के और सही आंसर बताना है कि 100 और 121 के बीच में क्या रिलेशन है, कि जो आगे चल के संख्या इसके साथ इसका रिलेशन बनाएगी। तो आपको सही चयन करना है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आपको सही चयन करना है। आपके पास समय है, प्लीज वीडियो को देखिए और मोस्ट क्वेश्चन है इसको हल करिए कमेंट में आंसर। जैसा कि मैं बताता हूँ, आपको दिख रहा होगा सामने कि 100 काय का वर्ग है 10 का, और 121 काय का वर्ग है 11 का। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए आगे आपको दिखाया गया है कि 144 होगा 12 का। ये देखिए नंबर सीरीज मिल गई है, 10 11 और 12, तो आगे क्या होगा 13। तो 13 का वर्ग आपको पता होगा कि 13 का वर्ग क्या होता, 13 का वर्ग 169। तो आपका तीसरा आंसर राइट हो जाएगा, 169। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है जो कि SSC बैंक ETC रेलवे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पेपर आई हुई क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँच सके। देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सॉरी दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप चाहें तो उसको खुद कर सकते हैं, कमेंट में आंसर बताइए। जैसे कि 12 है, 140 है, 156 है। इसको आपको कुछ नहीं करना है, मैं हिंट दे दे रहा हूँ आपको इनको करना है। इसमें आपको 13 का गुणा करना है, आएगा 13 का, और 140 में 13 का गुणा करेंगे तो दोनों का अंतर निकलेगा। 156 140 में करेंगे तो आपको आपका आंसर हो जाएगा, आंसर मैं बता दूँ 1820 इसका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 1820 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखिए 64 कॉमा, इसकी जगह पे यहाँ पे बीच में दिया गया है डिफॉल्ट, यहाँ पे आपको लगाना है और ये है आपका 9। राइट आंसर आपको बताना है। 64 है जैसे कि, तो 64 काय का क्यू है, 64 है आपका 4 का क्यू, ठीक है। तो इसी के आगे चलते अगली संख्या आपको 9 दी गई है, तो इसका क्यू आपको क्या करेंगे कि 9 का क्यू करेंगे, और 9 का क्यू क्या होता है 729। तो 729 आपका सही आंसर हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुंच सके। सब्सक्राइब चैनल प्लीज़।